कानपुर के प्रथम स्थापना दिवस पर मर्चेंट चैंबर हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवी संगठन, शिक्षक और पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की, जिसमें पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि काफी सुधार हो चुका है, कुछ बेहतर करने के लिए प्रयास जारी है। जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, पुलिस को देखकर गर्व महसूस करे, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दो कदम नगर के लिए, जनता के साथ चलना है, अपराध और अपराधियों पर लगाम कसी गई। जल्द ही फेसबुक व FM रेडियो के माध्यम से आम जनता की समस्या को सुनकर निस्तारण करेंगे। अन्य वक्ताओं मुद्रित मिश्रा, मनीष कटारिया, डॉक्टर अतुल कपूर, शमशेर सिंह, बलजीत सिंह यादव आदि ने कहा कि पुलिस कमिश्नर कानपुर में लगातार सराहनीय कार्य कर रहे हैं। छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य और करने की जरूरत है। शहर में आवारा जानवरों के लिए भी ठोस रणनीति की जरूरत है। सपा नेता उषमा इकबाल सोलंकी व एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिलीप कुमार मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जग महेंद्र अग्रवाल व सीनियर प्रेस सेक्रेटरी कमल सिंह यादव ने पुष्प देकर सम्मानित किया, जिसमें एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कानपुर टीम की विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दिनेश अवस्थी, उषमा इकबाल सोलंकी, अमित गुप्ता आदि लोग शामिल रहे। कानपुर से अनवर अशरफ की विशेष रिपोर्ट।